हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए गोभी से बनने वाला बहुत ही ज्यादा मजेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको गोभी की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं जो लाल होने चाहिए, जूसी होने चाहिए। यहाँ पे हमने 3 ग्रीन चिली ली है। अगर आप ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप ग्रीन चिली की मात्रा को कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है गोभी, जिसको फूल गोभी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गोभी है वेट ने 300 ग्राम है और ज्यादा गोभी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोभी की कटिंग करेंगे, कैसे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, गोभी का ये जो पीछे वाला भाग होता है इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने इसको साइड में कर दिया है। और यहाँ पे मैं टमाटर और ग्रीन चिली को भी रख लूंगी और इसमें मैं कट करके गोभी को रखूंगी। तो यहाँ पे आपको गोभी को इस तरह से हाथों से छोटे छोटे फूल को निकालना है। ये देखिए, चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से ही काम हो जाएगा। तो जितने छोटे छोटे फूल हमारे होंगे उतने हम निकाल लेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े मत निकालना। ये देखिए, तो इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे और देख लीजिए इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो ना हो। अगर आपका हो तो आप उतनी जगह से गोभी को काट कर अलग कर देना, क्योंकि गोभी में कीड़े छुपे होते हैं, इसलिए हम इस तरह से सारे फूल को छोटे छोटे पीसेस में अलग कर रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने गोभी को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। उससे पहले हम गोभी को एक पानी वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद गैस की तरफ चलेंगे। तो चलिए फटाफट वॉश करके लेके आती हूँ इसे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया, अब चलते। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाई ली। अब इसमें हमने 3 से 4 गिलास पानी रखा है और पानी को हम हल्का सा बॉईल आने का इंतजार करेंगे। जब तक हमारा बॉईल नहीं आएगा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है डियर। तो पानी में देखिए हल्का सा उबाल आ गया। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून तक नमक डालेंगे और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमारा जाएगा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तक ऑयल। तो यहाँ पे आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारी चीजों को हम अच्छे से मिलाकर एक और उबाल आने का वेट करेंगे, अच्छे से उबाल आ जाए तब तक वेट करना है। तो फ्रेंड देखिए, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम अपनी गोभी इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हमें गोभी को सिर्फ 50% तक पकाना है, जिसको पकाने में आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। कवर मत करना, नहीं तो गोभी बिल्कुल गल जाएगी। और हमें गलाना नहीं है, सिर्फ इसको हाफ कुक करना है। तो यहाँ पे हम इसको 2 मिनट तक कुक करेंगे, वो भी खुला, फिर उसके बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, देखिए हमारी जो गोभी थी बिल्कुल अच्छे से हाफ डन हो गई है। अब देखिए गोभी पर कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसको एक हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो गोभी है सिर्फ हमें 50% तक पकानी है, ज्यादा मत पकाना नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा रेसिपी में। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है हल्दी डालने की वजह से। अब इसको हम ठंडा करेंगे, तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गोभी हमारी काफी ज्यादा जल रही है, तो जब तक ये रेस्ट पे है हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, कढ़ाई मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं, हल्का सा गर्म करना है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पिंच भर हींग, ज्यादा हींग नहीं डालनी है। और अब 1 टेबलस्पून तक हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो अदरक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो लोग अदरक नहीं खाते बिना अदरक के भी बना सकते हैं। अदरक को हमें अच्छे से भूनना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। तो ये देखिए अदरक हमारी अच्छे से भुन गई है, 10 से 15 सेकंड तक भुना है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज की प्याज, इस तरह से हमने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, काला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो कढ़ाई इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, ताकि आपकी कोई भी चीज़ जले ना उसका टेस्ट अच्छा है और लुक भी बहुत प्यारा आएगा अपने नाश्ते का, अगर चीज़ जलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा लाइट कलर आना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक अजवाइन। तो अजवाइन जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा और नाश्ते को पचाने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप इसकी जगह पे जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए हो चुका है हमारा, सारा चीज अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो हमने शुरुआत में आपको दिखाया था, उसको हम बारीक बारीक कट करके डालेंगे। तो ये गए हमारे टमाटर, जिसको हमने जूस के साथ डाला है और बीज के साथ डाला है। तो यहाँ पे टमाटर को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छा सा भून लेंगे 2 से 3 सेकंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो आप नमक डाल देंगे तो टमाटर को गलने में कम टाइम लगेगा। तो ये गया हमारा 1/4 चम्मच नमक, थोड़ा सा
टर्मरिक पाउडर चौथाई चम्मच, और इसके साथ हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें जिससे लुक बहुत ही प्यारा आएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला चौथाई चम्मच। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून तक चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें टमाटर को कवर नहीं करना है, इसको हमें खुला खुला पकाना है, तभी इसका कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो जब आप नमक डाल देंगे तो ये हल्के से गल जरूर जाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा गलेंगे नहीं। तो फ्रेंड देखिए टमाटर हमारा गलना शुरू हो चुका है, तो जब तक टमाटर हमारा थोड़ा सा और गलेगा तब तक हम अपनी गोभी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए गोभी हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, अब इसका हम क्या करेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड गोभी को बिल्कुल अच्छा सा ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करना। अब हम एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम सिर्फ गोभी डालेंगे, ना इसके अंदर हमें पानी डालना है ना ही कोई और चीज डालनी है। सिर्फ हम गोभी को डालकर एक बार मिक्सी को चलाकर रोक देंगे क्योंकि हमें इसे जरा पीसना है, आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं। तो चलिए इसको करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने गोभी को पीस लिया, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से सिर्फ एक बार मिक्सी को चलाया था, दरदरा किया है, और पानी जब हमने छान लिया होता है तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आपका पानी होगा तो गोभी बहुत चिपचिपा हो जाएगा, और चिपचिपा हो जाएगा तो पकाने में आपको टाइम लगेगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो टमाटर था बिल्कुल अच्छे से गल गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गला नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए। अब ये जो हमारा गोभी वाला मिश्रण है ये हम सारा का सारा इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। और देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर सारी चीज़ों का आपस में मिल जाए। तो फ्रेंड 2 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली ये डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच हम हरा धनिया डालेंगे जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। तो हरा धनिया को वॉश करने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर लेना तब कट करना। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, सारे मसाले हमारे अच्छे से बन गए हैं और इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे आधा नींबू का रस जिससे ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा हो जाएगा। तो ज़्यादा नींबू का रस नहीं, सिर्फ आधा चम्मच हम काफ़ी होगा। तो यहाँ पे मैंने सारे बीज निकाल दिए थे, तब भी एक बीज नज़र आ गया था तो उसको मैं निकाल देती हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यहाँ पे लास्ट में आपको नींबू का रस डालना है, और उसके डालने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से निकालिए, जब तक ये ठंडा होगा हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, तो बड़े साइज का बर्तन ले लेना। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पे हमारा जो आटा है वेट ने 250 ग्राम है, नाप में एक बड़ी कटोरी है, अगर आपकी छोटी कटोरी है आप 2 कटोरी लेना। और आटे को आप अच्छे से छान लेना, आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे 100% गेहूं के आटे से बना रही हूँ डियर। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून तक ऑयल डालूंगी जो हल्का सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना, थोड़ा सा कम ही नमक डालना, इसमें ज़्यादा नमक मत डालना। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है जिसको मैं इस तरह से मसल कर डालूंगी। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अपनी रेसिपी में, और स्वाद भी आएगा, सॉरी लुक भी आएगा। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको ऐसे करके देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे ये बंद रहा है तो समझ जाइए तेल या घी आप जो भी डालें वो सही है। अगर नहीं बंद रहा है, इस तरह से बिखरा बिखरा सा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा और डालने की जरूरत है। अब इसमें हम लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और इसका हम थोड़ा सा टाइट आटा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड, मीडियम हार्ड डो लगाएंगे अच्छे से मसलते हुए। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितना पानी गया। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इसका आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा यूज हुआ, 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अब इस आटे को हम कवर करके 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये फूल जाए, 5 मिनट बाद चेक करेंगे डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, आइए अपने डो को चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है, और अब हम इसको काउंटर पे रख के इस तरह से आगे की तरफ पुश करेंगे, पीछे लेके आएंगे। इससे क्या होगा, हमारे आटे में जितनी भी हवा है यानी एयर उसको हमें निकालना है ताकि ये कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। आप ऐसे बना देंगे तो नहीं बनेगा। अब हम इसको जैसे पूड़ी के लिए करते हैं उसी तरीके से इसको करेंगे, और हम क्या बनाएंगे आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको कट लगाएंगे। तो बाकी सारे को हम रख देंगे उसके अंदर फटाफट, और एक ले लेंगे और इसको हमें कवर करके रखना है ताकि ये सूखे ना,
और एक लेने के बाद हम इस तरह से राउंड राउंड करते हुए इसका एक लोई बनाएंगे, या लोया लोई, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी तरफ तो लोई ही बोला जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल बनाना है और इसको फ्लैट कर देंगे। अब थोड़ा सा हम इस पर आटा लगा के इसे रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे आटा लगा लिया है और यहाँ पे आपको ख्याल रखना है इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और हल्का सा बड़ा बेलेंगे, हर तरह से बराबर बेलेंगे, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको इस तरह से बेल लिया है हल्का सा बड़ा, और यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप इसे किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, आपके पास गोल चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह से इसकी निकाल लूँगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी कट कर लूँगी। आप चाहें तो बड़ी सी रोटी बेल कर उसमें से भी निकाल सकते हैं, ये बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये लेंगे और यहाँ पे हम इस पर थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसके चारों तरफ पानी अप्लाई करेंगे। और अब हमारा जो ये था ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसको हम इस तरह से गोली बना लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको फैला लेंगे, हो गया। और अब हम दूसरा वाला लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे और इसको हमें चिपका देना है अच्छे से। ये देखिए, इस तरह से हम इसको चारों तरफ से फैला देंगे। तो इस तरह से देखिए फैला दिया है। अब इसको मैं निकाल लूंगी, यानी ऊपर रख लूंगी हथेली के बीच में। अब यहाँ पे आपको नाइफ लेना है और इस पर डिजाइन डालनी है। तो यहाँ पे आगे वाले भाग का इस्तेमाल ना करते हुए पीछे वाले भाग से हम डिजाइन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहे तो बिना डिजाइन डाले ही बना सकते हैं, लेकिन डिजाइन डालने से लुक प्यारा आएगा। तो बहुत ज्यादा कट मत करना, हल्का हल्का सा प्रेस करना। ये देखिए कितना सुंदर हमारा नाश्ता बन गया है। इसी तरीके से हम बाकी बना लेते हैं, फिर आपसे दिखाते हैं। डियर फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, हवा बंद डिब्बे में। जब आपके मेहमान आए या मन करे आप निकाल कर बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ, आपको बताते हैं कैसे बनाना है। मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी। तो फ्रेंड आ गया गैस की तरफ। एक पैन लिया है, इस तरह से फैला हुआ बर्तन लीजिए, चाहे लोहे की कढ़ाई लीजिए या अल्मोनियम की, या फिर पैन लीजिए। और यहाँ पे हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए तेल हमारा जब गर्म हो गया है तब हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। यहाँ पे आपको इतने ही डालने जितने की पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप इसमें ढेर सारे डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालने हैं ताकि ये चिपके ना आपस में। और यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो दो मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, दो मिनट तक हम इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे, दो मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है, हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया था, अब इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डार्क नहीं करूँगी, मैं इसे लाइट गोल्डन रखूँगी ताकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। जब कोई चीज़ देखने में सुंदर लगती है तो उसे बनाने में मज़ा भी आता है और दूसरों को खिलाने में भी मज़ा आता है, सॉरी खिलाने में। तो यहाँ पे हम इसे दूसरे साइड से भी दो मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुके हैं, आइए इसे हम टर्न करके देखते हैं कि दूसरे साइड क्या हाल है। तो देखिए दूसरे साइड कितना बेहतरीन तरीके से हमारा ये कुक हो चुका है। आप चाहे तो थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा तेल है वो वापस चला जाए। ये देखिए बहुत ही मज़े के कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा आता है। अभी हम आपको करीब से दिखाएंगे। तो चलिए बाकी भी बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता, जो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। चलिए आपको करीब से दिखा देते हैं कि कितना बेहतरीन बना है। तो ये देखिए कितना फूला फूला सा, और आप इसे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी है
और अंदर से तोड़कर आपको जो दिखाएंगे, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये फिल हुआ है और लेयर देखिए कितनी पतली है। इस तरह से जब लेयर पतली होगी तो ये काफी कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। आप इसे चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर ग्रीन वाली चटनी बना सकते हैं, मोमोज वाली चटनी के साथ खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इसे मैंने बहुत ज्यादा लाल नहीं किया, आप चाहें तो थोड़ा सा और लाल कर सकते हैं। मैंने इसे लाइट रखा है, जो लोग बहुत ज्यादा डार्क खाते हैं थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक लाइक जरूर देना, अगर पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाइए खाइए। टेक केयर, लव यू ऑल।